सत्कृतो सनातन धर्म की जय। बोलिए सतगुरुदेव देव भगवान की जय। परमादरणीय परम श्रद्धे अनंत श्री भूषित पूज्य चरण सतगुरुदेव भगवान स्वामी माहीदास जी महाराज, जिनकी अनंत पावन कृपा जीवन में एक बार पुनः आप लोगों से साक्षात्कार हुआ और हम लोग परमात्मा के श्री चरणों में थोड़ा समय बैठ सके। इस घोर कलयुग में थोड़ी सी आयु कब गुजर जाती है इसका कोई भरोसा नहीं है। जीने का एक तरीका है, तुम सृष्टि के कर्ता नहीं हो, सृष्टि के कर्ता परमेश्वर है। बड़ी सुंदर संगीत कथा आप भक्ति के परम माध्यम को आप श्रवण कर रहे थे। राधा साक्षात भक्ति है और मेरे ठाकुर जी साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा, और बिना भक्ति के आराधना के ठाकुर जी का दर्शन हो नहीं सकता। समय की
विशिष्टता समझ लो। दो चार दिनों में जो स्थिति परिस्थिति परिवर्तित हुई है, हमने कहा जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसे करेंगे। अगर मेरे ठाकुर जी चाहते हैं कि सत्संग नहीं हो तो नहीं चलेंगे, और ठाकुर जी की इच्छा है तो चलेंगे। क्योंकि परमात्मा की जो कथा है, परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो परम प्रकाश का अनुभव है, सो जानत जिह देहु जनाही, उसकी कथा वही श्रवण कर सकता है जिस पे वो कृपा कर दे। वैसे संसार में घूम घूम के भटक भटक करके देखे ना तो ये वाक्य बहुत अच्छा लगा, ये सत्संग बहुत अच्छा लगा कि हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, राधा रानी, हमें भक्ति प्राप्त हो जाए, हम भक्ति की शरण में चले जाएं, हमें परमात्मा दर्शन हो जाए, ऐसा संकल्प करना चाहिए। उत्तिष्ठित उठिए, जागृत जागिए, प्राप्त ब्राह्मी प्रबोधत, जो बुद्ध पुरुष हैं उनकी शरण में जाइए। संघम शरणम गच्छामि, जहां सत्संग होता हो, जहां लोग एकाग्र चित्त से परमात्मा की कथा श्रवण करते हो, वहां जाइए, कल्याण होगा, जीवन का सार तत्व मिल जाए। अब कई लोग सीधे सीधे मना नहीं करते, वो दूसरे से कहते कि तुम महाराज से बोलो कि स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने कहा देखो ऐसा है, परिस्थिति अच्छी हो ना हो इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। और मेरे गुरुदेव तो कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत्र फल, सर्वत्र सुख। मेरा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहे, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भय, आपके जीवन में दुख ना हो, आपके जीवन में अशांति ना हो, आपके जीवन में कष्ट ना हो। जीवन को अपने सहारे पे मत छोड़िए, परमात्मा से यही मांगिए, हरि जी मेरी लागी, प्रभु जी मेरी लागी, लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। बस परमात्मा से यही मांगा करो कि आप मेरे चित्त को प्रकाशित करते रहो, मेरा जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाए, और मेरा जन्म मेरी यात्रा सफल हो, मेरा जीवन मेरा संसार में आना सफल हो जाए, मेरी यात्रा धर्म की हो जाए और मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं, मैं आपके स्वरूप में लीन हो जाऊं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है को न सके पहचान, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। एक आध भजन गावे, थोड़ा सत्संग करें, तो आरती करें, गुरु महाराज का भजन गाएं।
खेती बोई मैंने तेरे सहारे, खेती बोई मैंने तेरे सहारे। परमात्मा का आश्रय अनिवार्य है, कण कण हम परमात्मा को भूलते हैं, परमात्मा हमें भुलाते नहीं, और वो जो चाहे वही तो होता है। खेती बोई मैंने तेरे सहारे, खेती बोई मैंने तेरे सहारे। खेती बोने का मतलब आपका जो भी कर्म है, आपने जो कुछ भी किया, वो आपके होने से नहीं हुआ, आप द्वारा किया गया, करवाया किसने? मेरे ठाकुर ने। मेरे सहारे मत छोड़ना प्यारे, मेरे सहारे मत छोड़ना प्यारे। ठाकुर जी से यही कहा करो कि मेरा एक एक श्वास आपकी कृपा से चलता है, उसके चाहे बगैर कुछ होता नहीं है, उसके चाहे बगैर ना हमें सत्संग मिलता है, ना हम परमात्मा की कथा में बैठ सकते हैं, ना हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। मेरे सहारे मत छोड़ना प्यारे, मेरे सहारे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़, लोग बैठे थे, इस पार से उस पार जाना था, पढ़े लिखे लोग बैठे थे, तो किसी से पूछा, वो जो मल्लाह कश्ती चला रहा था उससे एक प्रश्न किया, कहने के भैया एक बात बता, तुझे अंग्रेजी आती है?
बोले जी मेरे पिताजी यही मल्लाह करते थे काम, यही कश्ती इधर से उधर ले जाते थे। हम लोग जन्मजात परिवार एक ही, हमारा बिजनेस है, एक ही कारोबार है। हमारे दादा भी यही कश्ती चलाते थे, फिर पिताजी भी यही कश्ती चलाते रहे, फिर मैं भी जब से जन्म लिए तब से संभला हूँ, तब से ये कश्ती चला रहा हूँ, महाराज कोई समय ही नहीं मिला। बोले हिंदी तो आती होगी, किसी ने पूछा। बोले नहीं महाराज, हिंदी भी नहीं आती। बोले कोई श्लोक, कोई चौपाई, कोई ग्रंथ का कोई वाक्य कुछ याद है? बोले कुछ नहीं आता महाराज, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस मुझे यही पता है कि इस पार से उस पार जाना है और सबको उधर उतार देना है, इधर से लोगों को ले जाना है, उधर उतार। बोले काका तेरी तो फिर जिंदगी खराब हो गई, तेरे को एक भाषा नहीं आती तो मैं समझता हूं कि चार आने जिंदगी खत्म। जो मेन भाषा है वही नहीं आती, फिर हिंदी नहीं आती, चार आने तेरी जिंदगी और खत्म। फिर तेरे को कोई संस्कृत शास्त्र का कोई श्लोक याद नहीं, चार आने तेरी जिंदगी और खत्म। इतने में जोर से तूफान आया तो कश्ती डगमगाने लगी। अब बारी पूछने की मल्ला की थी। मल्ला ने उन विद्वानों से पूछा कि चलो मैं 12 आने मरा सो मरा, 4 आने तो जिंदा हूं, अब आप ये बताओ कि तैरना किस किस को आता है? वो बोले जी हम तो अंग्रेजी पढ़ते रहे, हम तो तैरना सीखे ही कोई नहीं, हमें तैरना नहीं आता किसी को भी। बोले फिर तुम्हारी जिंदगी रुपया का रुपया खत्म है, अभी कश्ती डूबने वाली। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मीरा के प्रभु गिरधर ना छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, श्याम मेरी लागी लगन मत लगन मत